अस्सलाम वालेकुम दिस इज गुलाम नबी इस वीडियो से हम ई कैट के टेस्ट के लिए कंप्यूटर साइंस के जो केम सी क्यूज हो सकते हैं उनको डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे एम सी क्यू नंबर वन है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट्स ऑफ डाटा मैनिपुलेशन एक्सेप्ट नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन डाटा मैनिपुलेशन का हिस्सा नहीं है तो डाटा मैनिपुलेशन के फोर पार्ट्स होते हैं जिसमें कैलकुलेशन है समराइजिंग है सोटिंग है और क्लासिफिकेशन है तो रिपोरोग्राफिक्स जो है वो इसका हिस्सा नहीं है तो हमारे पास इसका जो आंसर आएगा वो रिपोरोग्राफिक्स होगा नेक्स्ट हमारे पास एमसीयूज है डॉट डॉट इज एन एक्सटेंशन एक्सटेंशन ऑफ किस फाइल की, की होती है तो डॉट जेपी जी इमज फाइल की एक्सटेंशन होती है और वर्ड प्रोसेसर की डीओ सी होती है हमारे पास डॉक और एक्सेल की भी आपको पता होनी चाहिए एक्सएल एस होती है नेक्स्ट क्वेश्चन uh, है चूज एन इनकोरेक्ट स्टेटमेंट इनकोरेक्ट uh, स्टेटमेंट को चूज करें तो ऑप्शन ए है डाटा फाइल कंटेन डाटा तो ये ठीक है डाटा फाइल के अंदर डाटा ही होता है क्वेश्चन नंबर टू है ऑप्शन बी सिक्वेंशियल एक्सेस मेथड इज वेरी स्लो तो ये भी ठीक है सिक्वेंशियल एक्सेस मेथड स्लो होता है नेक्स्ट ऑप्शन नंबर थ्री है नेम एंड एक्सटेंशन ऑफ फाइल आर सेपरेटेड बाई कॉमा तो ये इनकोरेक्ट है क्योंकि नेम और एक्सटेंशन जो है वो हम कॉमे से सेपरेट नहीं करते बल्कि डॉट लगा के हम सेपरेट करते हैं और लास्ट वन डाटा कैन बी रिकवर्ड थ्रू बैकअप फाइल ये भी ठीक है तो ऑप्शन नंबर सी जो हमारे पास है ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट बनती है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास डाटा डेफिनेशंस एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ स्ट्रक्चर्ड ऑफ डाटा इज स्टोर्ड इन हमारी डाटा डेफिनेशन और हमारी डेटाबेस की जो स्ट्रक्चर्ड है उसकी डिस्क्रिप्शन किसके अंदर स्टोर हुई होती है तो वो डाटा डिक्शनरी के अंदर हमारे पास ये स्टोर हुई होती हैं नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन uh, है द प्रोसेस इन विच स्टूडेंट्स आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर टू फाइंड द टॉपर इज कॉल्ड ऐसा अमल जिसमें हम स्टूडेंट्स को अरेंज करें असेंडिंग ऑर्डर में ताकि हम टॉपर को फाइंड आउट कर सकें कि किसके मैक्सिमम मार्क्स हैं तो उस चीज को क्या नाम देते हैं तो उसे हम शोटिंग का नाम देते हैं नेक्स्ट हमारे पास एम सी क्यू है डाटा डुप्लीकेशन इन डाटा बेस इज रेफर्ड एज डाटा बेस के अंदर डाटा डुप्लीकेशन को क्या नाम हम देते हैं तो उसे हम डाटा रिडनडेंसी का नाम देते हैं नेक्स्ट uh, हमारे पास एम सी क्यू है विद द हेल्प ऑफ क्यूरी लैंग्वेज वी कैन ब्लैंक स्पेस डाटा फ्रॉम डाटा बेस क्यूरी लैंग्वेज की मदद से हम डाटा बेस के साथ किस किस्म की डाटा मैनिपुलेशन कर सकते हैं तो हम क्यूरी लैंग्वेज की मदद से डाटा अपडेट भी कर सकते हैं डाटा डिलीट भी किया जा सकता है डाटा इंसर्ट भी किया जा सकता है इट मीन्स ऑल ऑफ दीज इसका आंसर होगा नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू है वेस ऑफ द फॉलोइंग मे बी टम्परेरी फाइल कौन सी इसमें से टम्परेरी फाइल हो सकती है तो हमारे पास जो ट्रांजैक्शन फाइल होती है वो टम्परेरी फाइल होती है और आपको पता होना चाहिए जो मास्टर फाइल होती है वो टम्परेरी फाइल नहीं होती वो इसमें लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए हम डाटा स्टोर करते हैं और बैकअप फाइल ऐसी फाइल होती है जिसमें हम एडिशनल कॉपी स्टोर करते हैं तो इनका भी आपको पता होना चाहिए नेक्स्ट एमसी है इनवर्टेड ट्री मॉडल रिप्रेजेंट इनवर्टेड ट्री मॉडल किस को रिप्रेजेंट करता है या इनवर्टेड ट्री जो है वो किस मॉडल का नाम है तो हमारे पास जो हेरारिकल मॉडल होता है इसको हम इनवर्टेड ट्री भी कहते हैं क्योंकि इसकी ट्री शेप बनती है अगर हम उसको रोटेट करके उसकी शेप को देखें तो नेक्स्ट एमसी क्यू दैट डिफाइंस हाउ डेटाबेस ऑर्गेनाइज इज कॉल्ड सेट ऑफ़ रूल्स ऐसे जिस जो ये डिफाइन करते हैं कि हमारे डाटा बेस के अंदर डेटा किस तरतीब के साथ ऑर्गेनाइज होगा तो उसे हम क्या नाम देते हैं तो उसे हम डाटा बेस मॉडल का नाम देते हैं ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी कि जब भी किसी सेंटेंस के मतलब क्वेश्चन के एंड पे इस कार्ड का वर्ड आ जाए तो इट मीन्स हमसे किसी चीज़ की डेफिनेशन पूछी जा रही है तो ये डाटा बेस मॉडल की डेफिनेशन है जो हमें सेट ऑफ़ रूल्स बताता है जिसके अकॉर्डिंग हम डाटा के अंदर डेटा को ऑर्गेनाइज़ करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू है अ चाइल्ड कैन हैव मोर देन वन पेरेंट कौन सा ऐसा मॉडल है जिसके अंदर एक चाइल्ड के एक से ज्यादा पेरेंट हो सकते हैं तो हमारे पास वो नेटवर्क मॉडल होता है जिसमें एक चाइल्ड के एक से ज्यादा पेरेंट नोड हो सकते हैं और हरारी मॉडल भी, भी आपको पता होना चाहिए इसमें एक चाइल्ड नोड का सिर्फ एक ही पेरेंट नोड हो सकता है और नेक्स्ट एम सी यू है अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड्स दैट रिप्रेजेंट अ सिंगल यूनिट ऑफ डाटा ऐसा ये भी हमसे डेफिनेशन देख के पूछी जा रही है एंड पे इस कॉल्ड का वर्ड है कि हमारे पास अगर हम फील्ड्स को कलेक्ट कर लें उनकी कलेक्शन कर लें रिलेटेड फील्ड्स की तो उसे क्या नाम देते हैं तो उसे हम रिकॉर्ड का नाम देते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास फॉलोइंग इज नोन एज डेटा सेट किस चीज का दूसरा नाम डेटा सेट कहलाता है तो आप लोगों को पता है कि यहाँ पे फाइल का जो दूसरा नाम है वो डाटा सेट क्या है नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास अ टाइप ऑफ फाइल फ्रॉम स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू मे इंक्लूड तो हमारे पास ऑप्शन ए जिसमें ट्रांजैक्शन फाइल हमारे पास स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू से इसे नहीं हम कंसीडर करते इसे हम यूएच UH के लाज से कंसीडर करते हैं सिक्वेंशियल फाइल हमारे पास ये स्टोरेज के लाज से कंसीडर की जाती है बैकअप फाइल भी हमारे पास जो है यूएच UH के लाज से और डाटा फाइल हमारे पास फंक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से देखी जाती है तो हमारे पास ऑप्शन जो है वो बी आएगा इसका सिक्वेंशियल फाइल हम यूज करते हैं स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू से और नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सीरीज ऑफ एक्शन दैट आर अप्लाइड टू टू रॉ डाटा इन ऑर्डर गेट द रिक्वायर्ड ऑब्जेक्टिव एंड इज कार्ड तो यहाँ पे भी हमसे डेफिनेशन पूछी जा रही है वो कौन सा अमल है जिसमें हम रॉ डाटा के ऊपर डिफरेंट एक्शन परफॉर्म करते हैं सीरीज के लिहाज से और अपना रिक्वायर्ड ऑब्जेक्टिव हासिल करते हैं तो इसे हम ऑपरेशन का नाम देते हैं आप इसे डाटा मैनिपुलेशन uh, भी कह सकते हैं या फिर इसे डाटा प्रोसेसिंग भी कह सकते हैं जिसमें हम ड्रॉ डाटा के ऊपर डिफरेंट एक्शन करके डिफरेंट रिक्वाड ऑब्जेक्टिव डाटा बेस के चैप्टर नंबर टू के मोस्ट इंपोर्टेंट देखने वाले हैं स्टार्ट करते हैं एमसीयू नंबर वन है विश ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्राइमरी की इन ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसको जो हमारी एक मुनासिब अच्छी प्राइमरी की बन सकती है तो इंप्लाय आईडी जो है ये एक अप्रोप्रिएट प्राइमरी की हमारी बन सकती है क्योंकि ये यूनिक हो सकती है नेक्स्ट जो हमारे पास है क्वेश्चन है इन अ रिलेशन ऑर्डर ऑफ रोज इज ऑलवेज रिलेशन के अंदर रो की जो है वो क्या होती है तो रो की जो तृतीय है वो इनसिग्निफिकेंट होती है हमारे लिए इसकी कोई अहमियत नहीं होती हम अपनी क्यूरी की मदद से किसी भी ऑर्डर में रॉस को रिट्रीव कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द पर्सन हु डिवेल्प दल फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स फॉर द डाटा बेस एज आसन जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स डिवेल्प करता है हमारी डेटा बेस की उसे क्या कहते हैं उसे हम डेटाबेस डाटा एडमिनिस्ट्रेटर का नाम देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है द पर्सन हु यूज द कंप्यूटर फॉर स्पेसिफिक परपज इज नोन एज ऐसा पर्सन जो सिर्फ कंप्यूटर को एक अपने कुछ मकासद के लिए इस्तेमाल करता है उसे क्या नाम देते हैं उसे हम एंड यूजर का नाम देते हैं नेक्स्ट uh, क्वेश्चन है हमारे पास कॉलिंग इज द बेस ऑफ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कौन सा uh, कौन सी चीज़ जो है, वो की बेस है, तो रिलेशन जो है जिसे हम टेबल भी कहते हैं ये रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बेस है क्योंकि रिलेशनल डेटाबेस में हम रिलेशन मतलब टेबल में डाटा स्टोर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ब्लैंक स्पेस इज कंसिडर एज फील्ड ऑफ टेबल टेबल का कौन सी चीज फील्ड कहलाती है तो एक तरह से आपसे फील्ड का दूसरा नाम पूछा जा रहा है तो हमारा जो टेबल का कॉलम होता है उसे हम फील्ड कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ब्लैंक स्पेस इज अ वर्चुअल टेबल दैट डिस्प्लेस द डाटा फ्रॉम वन और मोर टेबल इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जिसे हम वर्चुअल टेबल का नाम देते हैं जो एक या एक से ज्यादा टेबल से आपको डाटा लेके डिस्प्ले करवाता है तो उसे हम व्यू का नाम देते हैं जो हम क्यूरी की मदद से बना रहे होते हैं नेक्स्ट हमारे पास है विच वन ऑफ द फॉलिंग इज यूज टू क्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट रिलेशन इनमें से कौन सी चीज को हम टेबल्स के दरमियान रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो हम की को इस्तेमाल करते हैं रिलेशनशिप बनाने के लिए टेबल्स के दरमियान नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेबल कंटेनिंग फॉरन की इज कॉल्ड वो टेबल क्या कहलाता है जिसके अंदर फॉरन की मौजूद होती है तो उसे हम चाइल्ड टेबल का नाम देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इन अ फाइल लेंथ ऑफ फील्ड कैन बी ऑफ ब्लैंक हमारे पास uh, एक फाइल के अंदर जो फील्ड की लेंथ होती है वो कितनी टाइप्स की होती है तो हमारे पास दो किस्म की होती है टू टाइप्स की फिक्स लेंथ फील्ड एंड वेरिएबल लेंथ फील्ड नेक्स्ट क्वेश्चन है की दैट मे मे कीन बी यूज टू एक्सेस एंड ड्राइव मैनी रिकॉर्ड्स ऐसी कौन सी की होती है जो यूनिक हो भी सकती है और नहीं भी लेकिन उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत सारे रिकॉर्ड्स को एक्सेस करने के लिए तो उसे हम स्कैंड की का नाम देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अ टेबल शुड हैव एक टेबल के अंदर क्या होना जरूरी है तो हमारे पास एक टेबल जो है वो उसके अंदर प्राइमरी की होनी चाहिए नेक्स्ट uh, जो है हमारे पास सवाल एसक्यूएल इज एसक्यूएल क्या चीज है तो एसक्यूएल एक क्यूरी लैंग्वेज है जिसे हम स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज का नाम देते हैं इसकी मदद से हम डाटा बेस के साथ कम्युनिकेट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज एन अप्रोप्रिएट एंटिटी इनमें से कौन सी हमारे पास ऐसा ऑप्शन है जिसे हम एंटिटी कंसिडर कर सकते हैं तो हमारे पास जो स्टूडेंट है इसे हम एंटिटी कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि नेम डेट और बर्थ और रोल नंबर जो है ये एट्रीब्यूट हैं किसी भी एंटिटी की तो स्टूडेंट जो है वो हमारा एक अप्रोप्रिएट एंटिटी बन सकती है डेटा के चैप्टर नंबर थ्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट एम देखने वाले हैं चलें स्टार्ट करते हैं एम नंबर वन है द रिलेशनशिप कैन बी वन टू वन वन टू मैनी मैनी टू मैनी आर ऑल ऑफ दीज तो हमारे पास रिलेशनशिप की ये तीनों टाइप्स को यूज़ करते हैं तो इट मीन्स हमारे पास रिलेशनशिप वन टू वन भी हो सकता है वन टू मैनी भी हो सकता है और मैनी टू मैनी इट मीन्स हमारा आंसर जो है वो ऑल ऑफ दीज आएगा नेक्स्ट uh, क्वेश्चन है इन ईयर मॉडल द एट्रीब्यूट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय ईयर मॉडल में हम एट्रीब्यूट को किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं तो हम ओवल सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये वाला सिंबल हम एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं इसी तरह एंटिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं रेक्टेंगल सिंबल से तो ये भी पूछा जा सकता है आपको और रिलेशनशिप को हम रिप्रेजेंट करते हैं डायमंड सिंबल से तो ये भी आपसे पूछा जा सकता uh, है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास हाउ एंटिटीज आर रिलेटेड टू ईच अदर इज एंड इंडिकेटेड बाई एंटिटीज़ एक दूसरे के साथ किस तरह से रिलेट uh, uh, करती हैं उसको हम किस चीज़ से इंडिकेट करते हैं तो हम रिलेशनशिप से एंटिटीज़ uh, को आपस में रिलेट करते हैं या हमें पता चलता है कि एंटिटीज़ आपस में किस तरह से रिलेट uh, कर रही हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज़ अ कंपोनेंट ऑफ फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन इनमें से कौन सा uh, जो है फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन का कॉम्पोनेंट है तो हमें पता है डेटा बे डाटा वॉल्यूम एंड यू एस एनालिसिस फिजिकल डाटा बेस डिज़ाइन का जो कंपोनेंट है डेटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजीज जो फोर हैं वो भी इसी का कंपोनेंट है और फाइल ऑर्गेनाइजेशन भी इसका कंपोनेंट है इट मीनस हमारे पास फिजिकल डाटा बेस डिज़ाइन के ये सारे कंपोनेंट्स हैं तो हमारा आंसर होगा ऑल ऑफ दीज नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडेक्स कैन बी क्रिएटेड ऑन इंडेक्सेस को हम uh, किस की के ऊपर क्रिएट करते हैं तो आप प्राइमरी की फॉरेन की सेकेंड्री की तो आप हर की के ऊपर जो है इनमें से इंडेक्स को जो है वो क्रिएट कर सकते हैं तो इसका आंसर भी ऑल ऑफ दी जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑप्शनल मोडलिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय मोडेलिटी की हमें पता है दो वैल्यूज होती हैं एक ऑप्शनल और एक मैंडेटरी तो वो पूछ रहे हैं हमसे ऑप्शनल को हम किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं तो हम जीरो से उसको रिप्रेजेंट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द नॉन क्रिटिकल फ्रेगमेंट्स इन हाइब्रिड डाटा डिस्ट्रीब्यूशन आर स्टोर्ड डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजीज में हम जो हाइब्रिड डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजीज है उसमें नॉन क्रिटिकल जो फ्रेगमेंट्स हैं उन उसको कहाँ पर हम स्टोर करते हैं तो नॉन क्रिटिकल फ्रेगमेंट्स को हम सिंगल साइड पर स्टोर करते हैं और याद रखिएगा जो क्रिटिकल फ्रेगमेंट्स होते हैं उन्हें हम मोर देन वन साइड पर स्टोर रखते हैं नेक्स्ट uh, क्वेश्चन है फॉलोइंग स्टेज डिटर्म वेदर द प्रपोज सिस्टम इज अफोर्डेबल पॉसिबल एंड एक्सेप्टेबल आर नॉट वो कौन सी uh, टेक्निक है या वो कौन सी टर्म है जिसमें हम ये uh, चेक करते हैं कि क्या हमारा प्रपोज सिस्टम अफोर्डेबल होगा पॉसिबल होगा या एक्सेप्टेबल होगा या नहीं तो वो हम फिजिबिलिटी स्टडी के अंदर इस चीज़ को डिस्कस करते हैं नेक्स्ट uh, क्वेश्चन है हमारे पास अ पर्सन नेम बर्थडे एंड सो, uh, सोशल सिक्योरिटी नंबर आर एग्जाम्पल ऑफ एक पर्सन का नेम उसकी बर्थडे और उसका सोशल सिक्योरिटी नंबर उसकी क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है तो वो उसकी एट्रीब्यूट्स को रिप्रेजेंट करता है नेक्स्ट uh, क्वेश्चन है डेटाबेस डिजाइन प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ डेटाबेस डिजाइन प्रोसेस में क्या-क्या चीजें होती हैं है इनमें से तो लॉजिकल डिजाइन भी इसका कंपोनेंट है फिजिकल डिजाइन भी इसका कंपोनेंट है इट तो मींस हमारा आंसर जो होगा वो ए एंड बी बोथ होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ वन टू वन रिलेशनशिप इनमें से कौन सी एग्जांपल जो है वो वन वन टू वन रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करती है स्टूडेंट एंड रजिस्ट्रेशन नंबर जो है ये वन टू वन को रिप्रेजेंट करता है कि एक स्टूडेंट का जो है वो एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर होता है और एक रजिस्ट्रेशन नंबर एक ही स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करता है और ये हमारे पास बाकी जो तीन रिलेशनशिप हैं ये वन टू मैनी वाले हैं जिसमें पर्सन के पास एक से ज्यादा ऑटोमोबाइल हो सकते हैं एक मदर की एक से ज्यादा डॉटर हो सकती हैं और एक पर्सन के एक से ज्यादा फोन नंबर हो सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है टेक्निक फॉर फिजिकली अरेंजिंग द रिकॉर्ड्स ऑफ फाइल ऑन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसिस सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के ऊपर फिजिकली रिकॉर्ड को अरेंज करने को हम क्या नाम देते हैं तो उसे हम फाइल ऑर्गेनाइजेशन का नाम देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है द आइडेंटिफिकेशन ऑफ डाटा ऑब्जेक्ट्स एंड रिलेशनशिप बिटवीन देम इज कॉल्ड इस कार्ड का वर्ड पहले भी मैंने बताया था कि जब आए तो ये इट मीन्स हमसे किसी चीज़ की डेफिनेशन पूछी जा रही है तो पूछ रहे हैं ऐसा अमल जिसमें हम ऑब्जेक्ट्स uh, को आइडेंटिफाई करते हैं और उनके दरमियान रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करते हैं उसे क्या नाम देते हैं उसे हम डाटा मॉडलिंग का नाम देते हैं नेक्स्ट uh, क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ डीएफडी डीएफडी की फुल फॉर्म क्या है तो डीएफडी की फुल फॉर्म है डेटा फ्लो डायग्राम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास आर रेक्टेंगल सिंबल रिप्रेजेंट्स ब्लैंक स्पेस इन ई आर मॉडल रेक्टेंगल सिंबल जो है वो ई आर मॉडल में किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है तो वो एंटिटीज को रिप्रेजेंट करता है रेक्टेंगल सिंबल नेक्स्ट है एनीथिंग दैट इज पार्टिसिपेटिंग इन सिस्टम इज नोन एज सिस्टम में जो चीज़ पार्टिसिपेट करती है उसे हम क्या नाम देते हैं उसे हम एंटिटी का नाम देते हैं चैप्टर नंबर फोर के मोस्ट इम्पोर्टेंट एम सी क्यूज ई कैट टेस्ट के लास्ट से देखने वाले हैं तो एम सी क्यू नंबर वन है आ रूल विच स्टेट्स दैट ईच फॉरन की वैल्यू मस्ट मैच आ प्राइमरी की वैल्यू इन द अदर रिलेशन वो कौन सा रूल है जिसके अकॉर्डिंग आपके टेबल की फॉरन की की वैल्यू किसी दूसरी रिलेशन के प्राइमरी की की वैल्यू से मैच करनी चाहिए तो उस रूल को हम नाम देते हैं जी रेफरेंशियल इंटेग्रिटी का नाम देते हैं नेक्स्ट uh, क्वेश्चन है टू और मोर एट्रीब्यूट्स हैविंग डिफरेंट नेम्स बट सेम मीनिंग आर कॉल्ड आपके टेबल में दो या दो से ज़्यादा ऐसी एट्रीब्यूट्स जिनके मीनिंग तो सेम है लेकिन नेम डिफरेंट आप यूज़ कर रहे हैं तो उसे क्या नाम हम देते हैं उसे हम सनोनम्स का नाम देते हैं नेक्स्ट uh, क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ इंटेग्रिटी कैन बी अचीव बाई क्रिएटिंग रिलेशनशिप बिटवीन रिलेशंस वो कौन सी इंटेग्रिटी जिसे हम अचीव करते हैं रिलेशन्स uh, के दरमियान रिलेशनशिप क्रिएट करके रिफ्रेंशियल इंटेग्रिटी को हम अचीव करते हैं प्राइमरी और फॉरेन की दो टेबल्स के दरमियान रिलेशनशिप क्रिएट करके नेक्स्ट uh, क्वेश्चन है हमारे पास नॉर्मलाइजेशन फॉर्म विच इज बेस्ड ऑन ट्रांसिटिव डिपेंडेंसी इज़ रेफर्ड एज वो कौन सी नॉर्मल फॉर्म है जो ट्रांसिटिव डिपेंडेंसी पे बेस्ड करती है तो हमारे पास जो थर्ड नॉर्मल फॉर्म है वो ट्रांसटिव डिपेंडेंसी पे बेस्ट करती है नेक्स्ट uh, क्वेश्चन है कंसीडर ए एरो बी हमारे पास ये लिखा हुआ है द एट्रीब्यूट ऑन राइट साइड ऑफ एरो एरो की राइट right साइड पे जो एट्रीब्यूट है उसे हम क्या नाम देते हैं उसे हम डिटर्मिनेंट का नाम देते हैं और जो लेफ्ट साइड पे हमारे पास है ए ये हमारे पास इसे डिटर्मन का नाम देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग कम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर इन टू सिंपल डेटा स्ट्रक्चर इज नोन एज ऐसा कौन सा अमल है जिसमें हम एक अपनी कम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर को एक सिंपल डेटा स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो उसे हम नॉर्मलाइजेशन का नाम देते हैं नेक्स्ट एम सी क्यूज सेम ऐसी प्रॉब्लम जिसे हम सरोनम कहते हैं Uh, वो कब uh, प्रोड्यूस होती है जब हम वो कह रहा है कि डिफरेंट नेम्स यूज करते हैं किस चीज़ के डिफरेंट नेम यूज़ करते हैं एट्रीब्यूट uh, के हम डिफरेंट नेम रख रहे होते हैं हमारे पास सेम एट्रीब्यूट है उसके मीनिंग सेम है लेकिन उनके uh, दो डिफरेंट नाम से हम स्टोर कर रहे होते हैं तो उसे हम सैनो का नाम देते हैं नेक्स्ट uh, क्वेश्चन है इन रिलेशनल डेटाबेस टेबल इज़ आल्सो नोन एज रिलेशनल डेटाबेस में टेबल का दूसरा नाम तो उसे हम रिलेशन का नाम देते हैं नेक्स्ट uh, क्वेश्चन है हमारे पास विच नॉर्मल फॉर्म इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ पार्शियल डिपेंडेंसी कौन सी नॉर्मल फॉर्म पार्शियल डिपेंडेंसी पे बेस्ड करती है तो हमारे पास सेकंड एनएफ जो है वो पार्शियल uh, डिपेंडेंसी पे बेस्ड करती है नेक्स्ट uh, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग अनोमलीज कैन बी कास्ट बाय रिडंडेंसी इन द टेबल कौन सी अनोमली जो है एरर डेटाबेस में डाटा uh, रिडेंडेंसी की वजह से प्रोड्यूस uh, होती है तो इंजर्शन, डिलीशन और मॉडिफिकेशन ये तीनों ही डेटाबेस में डाटा रिडेंडेंसी की वजह से वो पैदा हो रही होती हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है uh, हमारे पास द डाटा इंटाग्रिटी कैन बी इम्प्लीमेंटेड बाई यूजिंग डाटा इंटेग्रिटी जो है वो कैसे अटेन करते हैं किस चीज़ को इंप्लीमेंट करके प्राइमरी की को फॉरन की को रिलेशनशिप को तो हम ये तीनों ही इम्प्लीमेंट uh, करके हम अपनी जो है डाटा की इंटेग्रिटी एक्कोरेसी को इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं नेक्स्ट uh, क्वेश्चन है इन थर्ड एन एफ आर नॉन की अट्रीब्यूट मस्ट नॉट डिपेंड ऑन अगर हमारा टेबल थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है तो नॉन की एट्रीब्यूट का किस चीज़ पे डिपेंड होना नहीं चाहिए तो एक नॉन की का दूसरी नॉन की एट्रीब्यूट पे डिपेंड नहीं होना चाहिए तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट uh, क्वेश्चन है द एरर एंड इनकसिस्टेंसीज इन डेटाबेस आर सो नोन एज तो इसे हम अनोमलीज का नाम देते हैं जो डेटाबेस के अंदर एरर्स आते हैं नेक्स्ट uh, क्वेश्चन है हमारे पास द फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म इल्यूमिनेट्स कौन सी चीज फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म हमारे टेबल में से एल्युमिनेट करती है ख़त्म करती है तो रिपीटिंग ग्रुप्स को जो है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म एल्यूमिनेट करती है और लास्ट एम सी क्यूज है फॉलिंग कैन बी यूज फॉर इम्प्लीमेंटिंग डाटा सिक्योरिटी इनमें से किस चीज़ को हम डाटा सिक्योरिटी के लिए इम्प्लीमेंट करते हैं रिलेशनशिप को अथेंटिकेशन स्कीम पासवर्ड आर बोथ बी एंड सी तो हमारे पास अथेंटिकेशन स्कीम और पासवर्ड्स जो हैं ये डाटा सिक्योरिटी के लिए इम्प्लीमेंट किए जाते हैं तो इसमें हमारा आंसर जो है वो डी करेक्ट आंसर होगा तो एम सी नंबर वन है आ डाटा बेस कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स डाटा बेस जो जिन डिफरेंट कंपोनेंट्स के ऊपर कंसिस्ट होती है उनको हम नाम क्या देते हैं ये हमसे पूछा जा रहा है तो उन्हें हम ऑब्जेक्ट्स का नाम देते हैं नेक्स्ट एम सी क्यू है टू गेट डाटा फ्रॉम डाटा बेस एंड प्रेजेंट इन अ फॉर्मेटेड वे वी हैव टू यूज डाटा बेस में से डाटा लेकर डिफरेंट फॉर्मेटेड वे में प्रेजेंट करने के लिए हम किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं तो हम रिपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं इस मकसद के लिए नेक्स्ट uh, क्वेश्चन है हमारे पास इन अ टेबल ईच कॉलम रिप्रेजेंट आ टेबल के अंदर कॉलम का जो दूसरा नाम है वो हमसे पूछा जा रहा है तो उसे हम फील्ड का नाम देते हैं नेक्स्ट uh, क्वेश्चन है हमारे पास वी कैन क्रिएट टेबल्स फॉर्म्स रिपोर्ट्स एंड क्यूरीज इन अ वेरी शॉर्ट टाइम विद द हेल्प ऑफ किसकी मदद से हम टेबल फॉर्म क्यूरी और रिपोर्ट्स वेरी शॉर्ट टाइम में क्रिएट कर सकते हैं तो वो हमें पता है डेटाबेस बेस विजर्स की मदद से हम ये काम ले सकते हैं नेक्स्ट uh, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डी बी एम एस इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है या सॉफ्टवेयर डी बी एम एस नहीं है एम एस एक्सेस को हम यूज़ करते हैं एज ए डी बी एम एस एम एस एक्सल को हम डी बी एम एस के तौर पर नहीं यूज़ करते डी बी एम एस नहीं है माई एस क्यूएल एक डी बी एम एस है औरल और भी एक डी बी एम एस है तो एम एस एक्सल जो है ये डी बी एम एस नहीं है नेक्स्ट uh, क्वेश्चन है द इंटरफेस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का इंटरफेस जो है Uh, वो जी ओ आई बेस्ड है या सी एल आई बेस्ड है कमांड लाइन बेस्ड है या बोथ ए एंड बी तो हमारे पास जो इंटरफेस है एम एस एक्स एस का वो जी ओ आई बेस्ड है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नेक्स्ट क्वेश्चन है अ टेबल कंटेन टेन रोज एंड फोर कॉलम्स द नंबर ऑफ रिकॉर्ड तो हमें पता होना चाहिए रोज़ का दूसरा नाम जो है रिकॉर्ड है तो टेन रोज हैं तो हमारे पास टेन ही रिकॉर्ड होंगे तो हमारा आंसर जो है वो ऑप्शन ए होगा अल्फा नेक्स्ट क्वेश्चन है एम एस एक्सेस इज एम एस एक्सेस इसमें से क्या चीज है आई डी ई है डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है तो तीनों ही नाम दिए जा सकते हैं एम एस एक्सेस को तो इट मीन्स हमारे पास ऑप्शन जो है डेल्टा आएगा ऑल ऑफ द अबव नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलो इज पार्ट ऑफ एम एस एक्सेस एप्लीकेशन विंडो इनमें से कौन सा एम एस एक्सेस विंडो का हिस्सा है तो टाइटल बार हमें पता है जो टॉप पे दिख रहा होता है हमें ये भी इसका हिस्सा है नेक्स्ट स्टेटस बार बॉटम पे हमें दिख रहा होता है स्क्रोल बार हमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्क्रोलिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं तो इसका आंसर भी ऑल ऑफ दीज आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास अ क्यूरी इज मोर फ्लेक्सिबल वे ऑफ क्यूरी की मदद से हम क्या काम कर रहे होते हैं रिट्राइविंग रिकॉर्ड फ्रॉम डेटाबेस यस फिल्टरिंग रिकॉर्ड फ्रॉम डेटाबेस ये भी काम लिया जा सकता है सोटिंग रिकॉर्ड डाटा को सोट भी किया जा सकता है इसकी मदद से तो ऑल ऑफ दीज हमारे पास आंसर आएगा क्यूरी की मदद से ही सारे काम हम ले सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल ऑफ द फॉलिंग डाटा बेस ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट ये इनमें से सारे डेटाबेस के ऑब्जेक्ट्स हैं लेकिन एक डेटाबेस का ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो हमें पता है जो यहाँ पर विंडो जो है ये डेटाबेस का ऑब्जेक्ट नहीं है फॉर्म क्यूरी रिपोर्ट्स और टोटल सेवन ऑब्जेक्ट्स है हमारे पास डेटाबेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बार इज यूज टू सी दैट कैप्स बटन ऑन द कीबोर्ड इज ऑन आर नॉट? कौन से बार को हम यूज करते हैं ये देखने के लिए कि कीबोर्ड पर हमारा जो कैप्स लॉक है वो ऑन है या नहीं तो हमारे पास जो स्टेटस मार होता है टॉप बॉटम पे वो हमें बता रहा होता है कि हमारा जो कैप्सा ऑन है या नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है द डेटाबेस ऑब्जेक्ट विच एक्चुअली स्टोर डाटा इस कार्ड डेटाबेस का कौन सा ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर एक्चुअली हम डाटा अपने स्टोर करवाते हैं तो हमारे पास जो टेबल है वो डाटा का ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसमें डाटा बैकेंड पे स्टोर होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है द व्यू इन विच द स्ट्रक्चर ऑफ टेबल इज क्रिएटेड इज कॉल्ड कौन से व्यू में टेबल के कौन से व्यू में हम टेबल की स्ट्रक्चर को बना रहे होते हैं तो हमारे पास जो डिज़ाइन व्यू होता है उसमें हम टेबल की स्ट्रक्चर को क्रिएट करते हैं नेक्स्ट uh, क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस विंडो इंक्लूड द फॉलोइंग नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स अभी हमने बात की थी माइक्रोसॉफ्ट डेटाबेस एक्सेस के अंदर टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स हैं इसके टोटल सेवन ऑब्जेक्ट्स से, हैं जिसमें टेबल क्यूरी फॉर्म रिपोर्ट्स पेजेस माइक्रोसॉफ्ट और मॉड्यूल हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्सटेंशन ऑफ एम एस एक्सेस इस एमएस एक्सेस की एक्सटेंशन क्या है हमारे पास तो डॉट एम डी बी माइक्रोसॉफ्ट uh, डेटाबेस इसकी एक्सटेंशन है नेक्स्ट क्वेश्चन है वी बी ए कोड इज स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट विच इज़ लोकेटेड वी बी ए कोड जो हम वीएल uh, बेसिक का करते हैं वो किस मॉड्यूल में जाके स्टोर होता है मतलब किस वाले ऑब्जेक्ट में स्टोर होता है तो वो मॉड्यूल के अंदर जाके स्टोर होता है हमारे पास एम एस एक्सेस डाटा बेस के चैप्टर नंबर सिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट एम सी यूज देखने वाले हैं ई कैट के टेस्ट के लिहाज से एम सी क्यूज नंबर वन है द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन आ रिलेशन इज़ कॉल्ड इट्स एक टेबल के अंदर रिलेशन के अंदर जितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स होते हैं वो उसकी क्या कहलाती है तो वो कॉर्डीनालिटी कहलाती है और इसी तरह याद रखिएगा नंबर ऑफ फील्ड्स अगर हमसे पूछे जाए तो वो डिग्री ऑफ रिलेशन कहलाती है नेक्स्ट एम सी क्यूज है द फील्ड्स इन अ टेबल हैव अ प्री डिफाइंड टेबल के अंदर जो हम फील्ड्स uh, बना रहे होते हैं उनकी क्या चीज़ प्री डिफाइंड होती है तो उनकी डाटा टाइप जो है वो प्री डिफाइंड होती है जो डाटा टाइप्स अवेलेबल्स हैं उनमें से ही हम सेलेक्ट कर ले रहे होते हैं हम खुद से डाटा टाइप डिफाइन नहीं करते नेक्स्ट एम सी क्यूज़ है द फॉलोइंग व्यू लुक्स लाइक स्प्रेड शीट कौन सा टेबल का जो व्यू है वो एक्सेल की स्प्रेड शीट की तरह एक तरह से हमें दिखता है तो जो डाटा शीट व्यू है वो हमें स्प्रेड शीट की तरह नज़र आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर मैथमेटिकल कैलकुलेन्स फॉलोइंग डाटा टाइप कैन बी यूज कौन सी एक्सल के अंदर ऐसी डेटा टाइप है जिसके ऊपर हम कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं तो वो नंबर डेटा टाइप है जिसके ऊपर हम कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं नेक्स्ट एम सी क्यूज है द टॉप पेन इन डिज़ाइन व्यू विंडो कंसिस्ट ऑफ अब हम जब टेबल डिजाइन कर रहे होते हैं तो उसमें हमारे पास वो कह रहे जी टॉप जो विंडो है उसमें क्या क्या चीज़ें हमें दिख रही होती हैं तो टॉप विंडो में हम फील्ड का नाम सेट कर रहे होते हैं सामने उसकी डेटा टाइप सेट करते हैं और उसी के सामने हम उसकी डिस्क्रिप्शन भी सेट कर रहे होते हैं तो टॉप पेन में ये तीनों चीज़ें जो हैं अवेलेबल होती हैं तो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफॉल्ट साइज फॉर टैक्स डेटा टाइप टेक्सट डेटा टाइप जो है उसका डिफॉल्ट साइज़ जो है वो फिफ्टी करेक्टर्स होता है नेक्स्ट एम सी क्यूज है टू फाइंड आल नेम्स स्टार्टिंग विद एच वर्ल्ड कार्ड इज़ यूज वो कौन सा सिंबल वर्ल्ड कार्ड हम यूज़ करते हैं जो एच uh, से स्टार्ट हो और उसके बाद कोई भी हमारे पास करेक्टर हो तो इसके लिए हम uh, जो है एच स्टार को यूज़ करेंगे कि एच जो स्टार्टिंग करेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो स्टार है वो उसके बाद कोई भी करेक्टर जो है वो उसको रिप्रेजेंट करता है आल के लिए यूज़ करते हैं नेक्स्ट एम सी क्यू है इफ फॉरन की एग्जिस्ट इन रिलेशन इट्स वैल्यू मस्ट मैच प्राइमरी की इन पेरेंट टेबल आर मस्ट बी कम्प्लीटली नल तो हमारे पास ये कौन सी टर्म है जिसके अकॉर्डिंग हमारे टेबल के अंदर अगर फॉरन की एग्जिस्ट करती है तो वो अपने पेरेंट टेबल की प्राइमरी की से मैच करनी चाहिए या फिर कंप्लीटली नल होनी चाहिए तो इसे हम रिफरेंशियल इंटाग्रिटी का नाम देते हैं नेक्स्ट uh, एम है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर डाटा बेस्ड एक्सक्लूडिंग हमारे पास ये इन में से सारे डेटाबेस के ऑब्जेक्ट्स हैं लेकिन उनमें से एक नहीं है तो हमारे पास जो है वो रिलेशनशिप जो है ये डेटाबेस का ऑब्जेक्ट नहीं है टेबल क्यूरी और रिपोर्ट जो है ये हमारे पास डेटाबेस के ऑब्जेक्ट्स होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ रिलेशन इफ द रिलेशन है थर्टीन कॉलम्स तो अभी हमने लास्ट एम में बात की थी के नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो डिग्री कहलाती है और नंबर ऑफ रॉज जो है वो कॉर्डीनलिटी कहलाती है तो उसने हमसे डिग्री पूछी है तो थर्टीन कॉलम है तो इट मीन्स हमारे पास डिग्री ऑफ रिलेशन जो है वो थर्टीन होगी नेक्स्ट एम सी क्यू है टू स्टोर एंड डिट्राइव डाटा एम एस एक्सेस डाटा बेस कंसिस्ट ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स डाटा बेस के अंदर डाटा स्टोर और उससे डाटा हासिल करने के लिए डाटा बेस के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उनको हम क्या नाम देते हैं तो उन्हें हम ऑब्जेक्ट्स का नाम देते हैं नेक्स्ट एम सी क्यू है हमारे पास अ टेबल कंटेन टेन रोज एंड ट्वेल्व कॉलम्स द नंबर ऑफ फील्ड्स अगेन नंबर ऑफ़ फील्ड्स पूछे जा रहे हैं तो नंबर ऑफ़ फील्ड्स ट्वेल्व होंगे हमारे पास क्योंकि हमारे पास ट्वेल्व कॉलम्स हैं नेक्स्ट एम सी क्यूज है द प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड कैन बी सेट थ्रू हम अपने फील्ड की प्रॉपर्टीज किस डिज़ाइन में या किस जगह पर सेट कर रहे होते हैं तो हमारा टेबल का जो डिज़ाइन भी होता है वहाँ पर हम प्रॉपर्टी सेट कर रहे होते हैं नेक्स्ट एम सी है विच डाटा टाइप इज़ यूज टू स्टोर आडियो सॉन्ग्स कौन सी डाटा टाइप हमको यूज़ कर सकते हैं ऑडियो सॉन्ग्स फील्ड में स्टोर करवाने के लिए तो हम ओ ऑब्जेक्ट अब, को यूज़ करते हैं नेक्स्ट एम है फॉलिंग विट कार्ड इज़ यूज फॉर सिंगल डिजिट कौन सा सिम्बल या विट कार्ड जो है सिंगल डिजिट के लिए हम यूज़ करते हैं तो हैश का सिम्बल जो है ये इस मकसद के लिए हम यूज़ करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द गिवन इज नॉट टाइप ऑफ एक्शन क्यूरी इनमें से कौन सी एक्शन क्यूरी की टाइप नहीं है तो एक्शन क्यूरी की फोर टाइप्स होती हैं इन्जर्ट डिलीट अपडेट एंड पेंट जो हमारे पास सोट क्यूरी है ये हमारे पास एक्शन uh, क्यूरी के टाइप सक्सेस डाटा बेस के चैप्टर नंबर सेवन के मोस्ट इंपोर्टेंट एम सी क्यूज देखने वाले हैं ई e कैट टेस्ट के लिए तो एम सी क्यूज नंबर वन है विश ऑफ द डाटाबेस ऑब्जेक्ट एक्ट एज बैकेंड ऑफ डाटाबेस डाटाबेस का कौन सा ऐसा हिस्सा कौन सा उसका ऑब्जेक्ट बैकेंड के तौर पर काम करता है तो हम टेबल को यूज करते हैं डाटा स्टोर करने के लिए और ये बैक एंड के तौर पर काम करता है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द टेक्स बॉक्सिस बटनस एंड चेक बॉक्सिस आर एग्ज़ाम्पल ऑफ टेक्स बॉक्सिस बटन और चेक बॉक्स जो हैं वो किस चीज़ की एग्जाम्पल्स हैं तो ये हमारे पास कंट्रोल बटन्स होते हैं जिनको हम यूज कर रहे होते हैं अपने फॉर्म के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन है द टिक मार्ग ऑन सेलेक्टेड ऑप्शन इज विजिबल एंड कौन सा कंट्रोल ऑब्जेक्ट में हम अगर टिक मार्ग लगा दें तो विजिबल होता है तो हमारे पास जो है वो चेकबॉक्स जो है उसमें हमारे पास टिक जो है इस तरह से चेक बॉक्स होता है हमारे पास तो विजिबल हमें दिख रहा होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्रोल बॉक्स कैन बी यूज टू डिस्प्ले यस नो वैल्यूज तो रेडियो बटन जो है इनमें से हम यूज कर रहे होते हैं यस नो वैल्यूज को रिप्रेजेंट करने के लिए लिस्ट बॉक्स इसके लिए यूज नहीं होता ना ही कॉम्बो बॉक्स यूज होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अ फॉर्म विच इज इन पेरेंट फॉर्म इज कार्ड ऐसा फॉर्म जो पेरेंट फॉर्म के अंदर हमें दिख रहा होता है या हम यूज कर रहे होते हैं उसे हम सब फॉर्म का नाम देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है रिपोर्ट्स कैन बी डिस्प्ले डाटा इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट हमें डाटा किस शक्ल में डिस्प्ले करवाती है टेक्स्ट की शक्ल में चार्ट्स ग्राफ तो हमें ऑल ऑफ दीज आएगा रिपोर्ट्स हमें इन सब फॉर्मेट में डाटा डिस्प्ले करवा सकती है नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेआउट ऑफ रिपोर्ट्स इन एम एस एक्स एस एम एस एक्स में रिपोर्ट के लेआउट कितने हैं तो थ्री है जिसमें कॉलमनर रिपोर्ट है टेबुलर रिपोर्ट है और जस्टिफाइड नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग विल अपेयर ऑन एवरी पेज ऑफ रिपोर्ट वैन प्रिंटेड कौन सी चीज़ जो है पेज के हर रिपोर्ट के हर पेज पे हमें शो होगी अगर हम रिपोर्ट को प्रिंट करें तो हेडर और फुटर जो है ये दोनों ही हमें हर पेज पे शो होते हैं तो इट मीनस हमारा आंसर ए एंड सी आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर लेआउट ऑफ फॉर्म एक्सेप्ट इनमें से कौन सा लेआउट जो है वो फॉर्म का लेआउट नहीं है तो स्प्रेडशीट जो है ये फॉर्म का लेआउट नहीं है बाकी तीनों फॉर्म के ले है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है फील्ड लेबल्स आर लिस्टेड ऑन द टॉप ऑफ फील्ड के लेबल किस किस्म के फॉर्म के टॉप पे हमें दिख रहे होते हैं तो जो टेबुलर फॉर्म होता है उसके भी टॉप पे हमें दिखते हैं और जो जस्टिफाइड फॉर्म होता है इसके भी टॉप पे हमें दिखते हैं जो कॉलमर फॉर्म होता है उसके लेफ्ट साइड पे हमें दिखते हैं तो इट मीनस इसका आंसर आएगा ए एंड सी नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरफेस के, के तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं तो फॉर्म को हम यूज करते हैं क्योंकि फॉर्म की मदद से हम टेबल के साथ कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं डाटा ऐड इंसर्ट डिलीट अपडेट करवा रहे होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइल्ड डिजाइनिंग रिपोर्ट्स इन डिजाइन व्यू टाइप्स ऑफ ओरिएंटेशन आर अवेलेबल रिपोर्ट को डिजाइन करते हुए हमारे पास कितनी किस्म की ओरिएंटेशन मौजूद होती हैं तो पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप दोनों हमारे पास हैं तो ऑप्शन इसका आएगा ए एंड सी नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रेजेंटेशन ऑफ प्रोसेस डाटा ऑब्टेन फ्रॉम डेटाबेस इज कॉल्ड डेटाबेस में से डाटा लेकर प्रेजेंट करने के अमल को हम क्या नाम देते हैं तो वो हमारी रिपोर्ट होती है जो डाटा रिप्रेजेंट कर रही होती है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज ट्रू अबाउट रिपोर्ट रिपोर्ट के बारे में क्या चीज ट्रू है इट कैन डिलीट डाटा नो no, ये डाटा डिलीट नहीं करवा सकती इट कैन बी इनपुट डाटा इसकी मदद से हम डाटा भी इनपुट नहीं कर सकते इट कैन बी मॉडिफाइड डाटा मॉडिफाइड भी डाटा नहीं कर सकते आप तो ना दीज आएगा सिर्फ आप इसकी मदद से डाटा डिस्प्ले करवा सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैग रिपोर्ट इज द टर्म यूज फॉर स्टैग रिपोर्ट किस रिपोर्ट के लिए हम यूज करते हैं तो कॉलमनर रिपोर्ट जो होती है इसे हम स्टैग रिपोर्ट का नाम भी देते हैं तो ये एम सी यूज चैप्टर नंबर सेवन के नेक्स्ट वीडियो में हम सी लैंग्वेज को स्टार्ट करेंगे और उसके हर चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट एम सी यूज देखेंगे थैंक यू अल्लाह हाफिज